इसी इलाके में एक प्रोग्राम मैंने किया आज से एक महीना पहले, जिसमें मैंने वो दुकानें बंद करवाई, जिसमें बकायदा उनके पास लेटर नहीं थे सर। कारोबार करने बैठे हो ना, इसकी एक्सपायरी डेट बताओ मुझे कहाँ लिखी हुई है। ये सर मुझे कंपनी बना रही है ना यार, कंपनी बना रही है तो ये नहीं है। लेकिन बम एक हो या सौ, इसके फटने से अगर सौ बम फट जाए तो जिम्मेदार किस पर हो, कौन जिम्मेदार होगा? वो तो हम ही होंगे। आप होंगे ना जी, कह रहे थे ना वो बात बोलो दोबारा खुल जाएगा, मैं भी यहाँ पर हूँ, अगर ये सही नहीं हुआ तो मैं किसी हाल में खुलने नहीं दूंगा, क्योंकि बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल वालों को भी बुलवाया जाए कि वो कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे कि उनके नीचे दुकानों पर ये सिलेंडर माफिया बैठा हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंतजामिया से भी बात करते हैं ताकि वो भी अपनी तरफ से इंतजामिया सिविल इंतजामिया को एक लेटर मूव करें ताकि इनका सदवाब किया जाए और यहाँ से इनका ये काम खत्म किया जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज मैं एक बार फिर आपको कहूंगा कि कराची शहर में बम नफ्स किए गए। अब ये बम का जब मैं लफ्ज़ कहता हूं तो वो एक बहुत अहम वर्ड है बम, क्यों कह रहा हूं समझने की ज़रूरत है, क्योंकि रोडों पे आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जगहों पे सिलेंडर माफिया रोडों पे बिठा दिए गए। अब सवाल ये कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, इनको बिठाने वाले वो कौन सी ताकतें जो इनको लाइसेंस भी दे रही है, और वो कैसे लाइसेंस है, क्या वेरीफाई है, क्या जिम्मेदारी लेंगे कराची के सातों डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मैं मुख्तलिफ जगहों पर प्रोग्राम करके दिखा चुका हूँ कि कहाँ कहाँ गैर कानूनी इस तरह के केबिन्स लगा के सिलेंडर माफिया बैठ के एलपीजी बेच रहे हैं। इसी तरह एक प्रोग्राम मैंने कुछ टाइम पहले किया कि जहां मैंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आपको यह दिखाया कि गैर कानूनी तौर पे दुकानें खुली हुई है जहां पे स्कूल मौजूद है, 500 से ज्यादा बच्चे ऊपर पढ़ते हैं। सवाल यह कि क्या एक सिलेंडर फटने का इंतजार किया जा रहा है, क्या प्रेडाबाद सानिया हैदराबाद आप भूल गए, आप लोग कैसे भूल सकते कि 19 बच्चे इस दुनिया से चले गए, क्या आज तक एक अल्फाज ढूंढ सके कि किसके हाथ में ढूंढे ये लहू। अब ये लहू क्या है, ये लहू वही है कि बच्चे किसी के भी हो, आपके मेरे किसी के भी, ये सवाल बनता है। अब मैं यहाँ पर एक अहम सवाल ये रखना चाहूँगा कि पिछली बार हमने जौहराबाद पुलिस स्टेशन जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वाकई है उनके साथ मिलकर कुछ लोगों की दुकानों को बंद करवाया गया, क्यों करवाया गया, क्योंकि वो स्कूल के नीचे मौजूद थी, लेकिन वो इतने बाअसर लोग हैं कि यकीन जाने के 3 दिन गुजरने के बाद ही वो शॉप्स दोबारा खोल दी गई। आज मैं एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद हूँ, उसी जौहराबाद थाने के अंदर मौजूद। आज वो SHO नहीं है क्योंकि SHO के तबादले तो हो जाते हैं, लेकिन सवाल ये कि पीछे किस तरह उन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। आज मैं मौजूद हूँ जौहराबाद थाने में, जो SHO हैं उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप आएं मुझसे मुलाकात करें, तो मैं जा रहा हूं जौहराबाद थाने और उनको ये दिखाऊंगा कि आपके इस इलाके के अंदर किस तरह गैर कानूनी दुकानें खुली हुई और वो चलते फिरते बम जो नफ्स किए उसकी जिम्मेदारी क्या आप लेंगे, एक SHO का जवाब क्या होगा, मैं वो आपको सुनवाऊंगा। प्रोग्राम में आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह आज हम इस रेट को प्लान करेंगे और वो मैं आपको दिखाऊंगा जो हकायद होंगे। प्रोग्राम के आगाज में मैं हमेशा कहता हूं कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा सच दिखाऊंगा। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं जौहराबाद पुलिस स्टेशन जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वाकई है। हम SHO से ये पूछेंगे कि क्या आपके इलाके में जो दुकानें खोली गई हैं LPG, क्या वो लाइसेंस याफ्ता हैं या नहीं है, या फिर गैर कानूनी तौर पर बैठ के बम नफ्स किए गए। ये सवाल बहुत अहम है आए। मेरा
मेरा नाम है अदील खान और मैं प्रोग्राम जवाब तो चाहिए से आपके पास हाजिर हूँ। आपसे मेरी कॉल पे भी बात हुई थी। डायरेक्टली राशिद भाई जाऊँगा क्योंकि बड़ा अफसोस हो रहा है कि आपके इलाके के अंदर जो पहले SHO साहब थे उनको मैंने बहुत बार ये बताया कि आपके इलाके के अंदर गैर कानूनी सिलेंडर माफिया बैठा हुआ है। आपके HM की भी नॉलेज में डाली। सर मेरा सवाल इतना है, क्या कोई इजाज़त दी गई है पुलिस की जानिब से जो दुकानें खुली हुई हैं? नहीं, हमारी तरफ से कोई इजाज़त नहीं है, बल्कि हमारी तरफ से टाइम टू टाइम इनको इंटेलिजेंस स्टाफ चेक करता है और इनके डॉक्यूमेंट्स को जाके चेक करता है और उसको फिर आगे वेरिफिकेशन के लिए भी भेजता है और किसी को हम इजाज़त नहीं देते कि वो गैर कानूनी तौर पर काम करे। राशिद भाई, मैं आपकी तारीफ इस वक्त करना चाहूँगा क्योंकि जब मैंने आपको कॉल की तो आपने मुझे विद इन मिनट कहा कि आप आना चाहें, मोस्ट वेलकम आएँ, मैं आपके साथ कॉपरेट करूँगा, जो भी हकायद है मुझे दिखाएं। मैं आपके इलाके की कुछ जगहें दिखाना चाहूँगा कि उसके बाद आप मुझे बताएं, जबकि इसी इलाके में एक प्रोग्राम मैंने किया आज से एक महीना पहले, जिसमें मैंने वो दुकानें बंद करवाई जिसमें बाकायदा उनके पास लेटर नहीं थे। सर इंसान हैं हम, आपको याद होगा कि अभी फरीदाबाद हैदराबाद का वाकया, उसमें 19 बच्चे इस दुनिया से चले गए, हम कोई तो जवाबदेह होने चाहिए ना। सर आपके इलाके के अंदर ब्लॉक 15 में ऐसी कई दुकानें खुली हुई हैं जिसके ऊपर स्कूल हैं और नीचे सिलेंडर माफिया बैठा है, आपकी नॉलेज में है? नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं है, मैंने अपने इंटेलिजेंस स्टाफ से कन्फर्म किया है, उन्होंने कहा है कि हम टाइम टू टाइम चेक करते हैं और इनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो तब ये दुकान खुली रहती है, वरना उसको हम बंद करा देते हैं। मैं लैपटॉप ले आइएगा प्लीज़ ज़रा, और ज़ियाउल अंजार साहब ने एक लेटर भी किया, मैं वो भी पहले जाऊँगा कि मैं आपको उसकी कॉपी आपको दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। लेटर भी दे दीजिए प्लीज़ ज़रा। ये वो लेटर है सर जो ज़ियाउल अंजार साहब ने बाकायदा निकाला है, जिसमें कहा गया है कि रिहायशी इलाकों में अनऑथराइज नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़, मतलब जो रिहायशी इलाके के अंदर होगी LPG की, वो नहीं होनी चाहिए। तो ये सर आप स्टडी भी कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ जगह लोकेट करना चाहूँगा, आप वो देखें ज़रा प्लीज़। ये हमारा लास्ट प्रोग्राम हुआ था आपके इलाके के अंदर और ये आपके उस वक्त जो ड्यूटी अफसर इखलाक साहब थे उनको लेके हम बाकायदा एक टीम फोर्स लेके निकले जिसपे इंटेलिजेंस के भी लोग थे। अब ये लेटर आप देख रहे हैं, ये सब वेरीफाई नहीं है इनके, आप इस लेटर को जब ये देखिए दुकानें, ये दुकानें आपको दिख रही हैं, ये सब ब्लॉक 15 की आपकी दुकान है। अब मैं आपको आगे से ये भी दिखाता हूँ कि ये देखें स्कूल, हम किस तरह अपने आपको जवाब दें। ये इखलाक साहब आपके मौजूद हैं और मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो सिलेंडर थे कि इनको बाकायदा अपने सिलेंडर का ये तक नहीं पता कि एक्सपायरी ख़त्म हुए हुए 10 साल गुजर चुके हैं, वो सिलेंडर यूज़ करें। सर कहीं से काबिल कबूल है? नहीं, काबिल कबूल नहीं है, लेकिन अब इसमें देखें ये अथॉरिटी जो है वो ओगरा की तरफ से है, ये उनका भी काम है कि वो इस चीज़ को चेक करें, बाकी ये कि हम जाके इनके लाइसेंस को वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी के इंस्पेक्टर हैं जी, ये बहुत अच्छा काम किया, मैं तारीफ कर रहा हूँ, इन्होंने हमारे साथ बाकायदा वो दुकानें बंद करवाई। वो स्कूल देखें, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो स्कूल, सेकेंड विंडो के ऊपर स्कूल्स के बाकायदा नाम भी आ रहे होंगे, JS स्कूल है जिसको हमने बेस स्कूल के नाम से आपके ब्लॉक 15 में, जिसके लिए दुकान है। सर ये दिखाने का सिर्फ मकसद ये है कि क्या हम कल अपने अल्लाह को भी ये जवाब दे सकते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता ये सिलेंडर एक फट जाए तो कितना नुकसान होगा? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और रिहायशी एरिया में तो इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और अब ये लोग जो काम कर रहे हैं, आप मेरे साथ चलें, मैं इनको जाके चेक कर लेता हूँ, वेरीफाई करता हूँ। आप और मैं चलते हैं और प्रोग्राम के आगाज़ में मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो SSP हैं ज़िशान सिद्दीकी साहब, मैं सर आपको एक बात बता दूँ कि मैंने भी लास्ट प्रोग्राम किया, SHO तब्दील हो जाते हैं, यकीन जाने अगर कोई SHO अच्छा काम कर रहा है। IG साहब, मेरी आपसे भी दरख्वास्त है कि उनके खिलाफ काम ना किया जाए, उनको वक्त दिया जाए, अगर वो SHO से इलाके में होंगे तो इलाके की सूरत हाल बदलेगी, लेकिन अगर उनको फिल फॉर आप हटा देंगे तो यकीन जाने इलाके को समझने में ही एक वक्त निकल जाता है और जब वो SHO उस वक्त को समझता है तो वो अपनी सीट पर ही नहीं होता। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राशिद साहब, आपने वक्त दिया, हम चलते हैं प्रोग्राम की आगे तरफ बढ़ते हैं और हम इस रेट में आपको वो हकायक दिखाएंगे जो हकायक हैं, आपके सामने रखूंगा कि चलते फिरते बम किस तरह नफ्स किए गए। राशिद साहब और उनकी टीम हमारे साथ चल रही है, हम आगे मजीद चल रहे हैं, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बात यह है कि SHO की एक जिम्मेदारी होती है अपने इलाके की और जो निशानदेही हम उनको करने जा रहे हैं, ये फैसला वो ख़ुद भी करेंगे कि क्या वो निशानदेही सही है या गलत। सवाल बहुत अहम है मेरे लिए, आपके लिए, कि जो बच्चे हैं वो आपके हों या मेरे हों बहुत अहम होते हैं, क्योंकि जो आगे का मेयार है, कहते हैं ना कि मुल्क का जो आगे लेके जाएंगे, आज ही उन बच्चों के आगे अगर हम ऐसी चीज़ें रख दें कि जिसका आगे क्या नुकसान होगा वो यकीन जाने बहुत बुरा होगा। आए मजीद आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, हम स्पॉट पे पहुंचेंगे, मैं सर आपको लेके चलूंगा थोड़ा आगे, पहले जरा ये देखें, जरा मैं चाहूँगा कि यहीं से आप स्कूल का नाम पढ़ें। JS Education Based School।
आप ये टॉप फ्लोर देख रहे हैं, ये पूरा ऑन रोड जो है ना ये वहीं तक बना हुआ है। मैंने आपको गली में इसलिए रुकवाया कि मैंने अपने एक हमारे जराए जो होते हैं उस पर एक बंदा गया हुआ है कि जैसे ही वो मुझे इन्फॉर्म करेगा कि खुला हुआ है तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। वरना पिछली बार ये हुआ था कि जब डायरेक्ट जब रुके तो ये भगदड़ मच गई थी और लोग आगे पीछे निकल गए थे तो हम लोगों को ले नहीं पाए थे। तो मैं चाह रहा था कि पहले मैं आपको ये विजिट करके जगह दिखा दूँ कि इस बुनियाद पर मैं आपको लेके आऊँ कि सर आप मुझे बताएं कि इसके नीचे अगर दुकानें हैं तो क्या सही है? नहीं, गलत है, इसके नीचे दुकानें नहीं होनी चाहिए। यहाँ छोटे बच्चों का आना जाना है और हर वक्त यहाँ गहमागहमी लगी रहती है, तो यहाँ तो इस किस्म का कारोबार नहीं होना चाहिए। ये इलाका आप देखें ब्लॉक 15 का पूरा रिहायशी इलाका है। जी, रिहायशी इलाका है बिल्कुल। तो हजारों की तादाद में फैमिली यहाँ रहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप स्पॉट तो हमने आपको दिखा दिया, अब जो हमारा नुमाइंदा गया हुआ है वो जैसे ही हमें इतना करता है हम आगे की तरफ, मैं चाहूंगा कि मोबाइल हम एक छोड़ यहाँ छोड़ के घर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे जैसे ही हमें नुमाइंदा इन्फॉर्म करता है। बात सिर्फ इतनी है कि मैंने इस वक्त प्लान इस तरह रखा है कि हम डायरेक्टली अगर जाएंगे तो मेन रोड है तो थोड़ी सी भगदड़ मच जाती है, तो इसलिए हम थोड़ा वेट कर रहे हैं कि जैसे ही नुमाइंदा हमारा आता है तो वो हमें इन्फॉर्म करेगा। अच्छा जी सर, हमारे जरा ने बता दिया, आगे तरफ चलते हैं। अच्छा, एक सिपाही वहाँ पे जाओ, एक सिपाही वहाँ पे जाओ। ये बंदा निकला, ये इसको होल्ड करेगा पहले, ये यहाँ से बंदे को लें। अच्छा जी, आप इधर आ जाएं, पानी पी लें, पानी पी लें, पानी पी लें। अच्छा सर, ये वही स्कूल की बिल्डिंग देख लें, ये पूरी स्कूल की बिल्डिंग है। अच्छा जी, लास्ट टाइम भी आप लोग को कहा गया था? मैं तो 2-3 दिन हुए मैं आया हूँ। इधर आ जाए ना, कोई मसला नहीं, आप 2 दिन हुए ना। चलिए एक सवाल करता हूँ, ये बताओ ये क्या है? गैस है सर। गैस है ना, अगर ये फट जाए कितना नुकसान देगी? ये सर कंपनी से आते हैं, ये अगर ये फट जाए कितना नुकसान देगी? ये नुकसान तो है सर, नुकसान देगी ना, नुकसान देगी। ऐसे जो साहब किस मेयारी तरीके से सिलेंडर लगाया गया, इनके पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है। इनको 4 बार वॉर्न करवाया जा चुका है, उसके बावजूद भी ये दुकान खोल गया। अच्छा, कौन खुलवाता है दुकान ये तो बताओ? ये मुझे पता नहीं, मैं 3-4 दिन हुए आया हूँ। ये तो पता ना कि पुलिस ने बंद करवाई है पहले भी? मुझे पता नहीं है सर, मैं अभी 3-4 दिन हुआ है। लाइसेंस होगा? आप लाइसेंस दो, अपने मालिक कहाँ है? मालिक है, मालिक कहीं गया। हर बार इनका मालिक जो है, पुलिस आई है और चेक कर रही है, उसको बुलाओ इधर। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ इस समय, ये कितने पुराने सिलेंडर्स हैं कि इसके ऊपर बाकायदा डेट्स लिखी हुई हैं। मैं इनसे पूछूंगा, ये कारोबार कर रहे हैं ना आप, मुझे एक और 3 दिन हो गए कारोबार करने बैठे हो ना, इसकी एक्सपायरी डेट बताओ मुझे कहाँ लिखी हुई है? ये सर मुझे कंपनी बना रही है ना, कंपनी बना रही है। सर इनकी एक्सपायरी होती है नहीं होती? वैसे एक्सपायरी लास्ट होती होगी बिल्कुल, सिलेंडर की भी, सिलेंडर की एक्सपायरी होती है। और ये वो सिलेंडर्स हैं जिसके बारे में मैं 1000 बार इनको कह चुका हूँ कि इनको ये तक नहीं पता कि इसकी एक्सपायरी कहाँ लिखी है, और ये सब कलरफुल कलर करके पुराने सिलेंडर को सेट किया गया है। ग्राइंडर के निशान है बाकायदा, अगर आप हाथ लगाए तो। इसको टेस्टिंग होती है इसकी बाकायदा सिलेंडर से, इसको बुलवाएं सर, मैं आपको अंदर विजिट भी करा दें। अब ये देखें ऊपर बकायदा, ये कारनामा देखें, इनके पास कैमरे तक रेडी हैं कि इनको पता होता है कि यहाँ पे कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अभी एक और मैं आपसे सवाल करता हूँ सर, ये मियारी तरीके का है कहीं पर भी? ये खुदा ना खास्ता, ये पान का केबिन इधर आए कैमरा में दिखाया जरा, ये यहाँ पर खाने पकाने की शॉप है, उधर पान का केबिन है, इनके बराबर में तो बकायदा पान वाले की दुकान है जो आगे वाले, मैं उसके बाद आपको लेके चलूँगा, पहले मैं आपको यहाँ ले आऊँ। अब आप ये देखें, ये सिलेंडर की मियारी जरा सूरत हाल चेक करें, गैर मेरी है, बहुत गैर मेरी है ये। इसमें आपके सामने और ये इनके, ये देखिए आप चेक करें, ये वो है कि लीकेज है या नहीं कुछ हमें नहीं पता, लेकिन अगर ये फट जाए तो हम सानिया फरीदाबाद एक और बात देखेंगे कराची शहर में। लेकिन सर बात इतनी सी है कि इसको कोई तो रोकथाम करेगा, किसी की तो जिम्मेदारी आयद होती है। बिल्कुल जी, इसकी रोकथाम होनी चाहिए। अभी इसके मालिक आ जाते हैं, हम इसके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, अगर ये नहीं है तो इसको बंद कराते हैं। बिल्कुल, टाइम देते हैं जब एक सिपाही यहाँ पर हम करते हैं। आए, मैं आगे की तरफ आपको लेके चलता हूँ, एक सिपाही इनको ज़रा देखिएगा प्लीज़, ये इधर चेक कीजिएगा बच्चे की उम्र, पहले दूर से आप अंदाजा करते हैं, ये 15-16 साल का बच्चा है। कितनी उम्र है तुम्हारी? 17। 17 साल, 16 साल आपने कही, 17 साल का है बेटा। इधर आओ, काम करते हो ना यहाँ पे? जी। क्या एक्सपायरी बताओ कहाँ लिखी हुई है इसकी एक्सपायरी? हाँ, यहीं पर लिखी हुई होती है, 6 साल की गारंटी होती है इसके। नया तो सिलेंडर, ये सिलेंडर जितने पुराने हैं, ये सिलेंडर ये 6 साल पुराने सिलेंडर है, ये पुराने मैं मान तो ये नहीं है। लेकिन बम एक हो या 100, इसके फटने से अगर 100 बम फट जाएं तो जिम्मेदार किस पर हो, कौन जिम्मेदार होगा? वो तो हम ही होंगे। आप होंगे ना जी, बड़े धड़ल्ले से एक बात तो उसने बता दी कि हम ही होंगे जिम्मेदार। अब ये बताओ, आपकी तो 17 साल उम्र है, नौकरी क्यों कर रहे हो? नौकरी मजबूरी के तहत। मजबूरी के तहत? ये बताओ कि पढ़े लिखे हो, अगर ये फट जाए तो कितना नुकसान होगा? नुकसान तो बहुत होगा। कितना?
कितना ये तो अंदाजा मैंने। अच्छा ऊपर क्या है आपके, आपको पता है? ऊपर स्कूल है। क्या है? स्कूल है। अब मुझे एक बात बताएं, स्कूल है, इसको पता है और ये भी पता है कि अगर ये फट जाए तो एक नुकसान हो जाएगा। सर इसका कोई कसूर नहीं है मेरी नज़र में, ये 17 साल का लड़का है, अच्छा जवाब ये बिल्कुल सही दे रहा है, लेकिन सर मुझे बताएं क्या लोग अंधे हो गए, क्या दिख नहीं रहा लोगों की दुकानें, यहाँ जो हाई लेवल के हमारे लोग हैं जो बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, या उनको नहीं दिख रहा? हाँ ये दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं? ये पहले भी वेरीफाई करवाए गए, आप मुझे ये सब तस्वीरें होंगी, इनके इधर मालिक को बुलवा लें जरा। हाँ बोलो। आप मालिक को बेटा जरा बुलवा लोगे? जी बुलवा लेंगे। कॉल करें, बात सिर्फ इतनी सी है और समझने की है कि इस वक्त हम जिस रोड पे मौजूद हैं, लकीबन सामने पूरा बाजार है, और यहाँ पे अगर मैं टोटल मिला के बात करूँ तो ऐसे जो साहब टोटल मिला के अगर मैं कहूँ 30-40 सिलेंडर होंगे ये सारे? हाँ जी तकरीबन इतने हैं जी। 30-40 सिलेंडर में अगर ये चार मैं कहता हूँ या छः कहता हूँ, ये कह रहे हैं नए हैं, जिसकी एक्सपायरी इनको भी नहीं पता ये नए हैं या नहीं, लेकिन अगर ये एक सिलेंडर भी फट जाए तो यकीन जाने नुकसान इतना होगा। ऊपर अगर 500 बच्चे भी पढ़ते हैं, 200 बच्चे भी पढ़ते हैं, या 100 भी पढ़ते हैं, सर बच्चा एक जाए या 100 जाए, नुकसान है या नहीं? है बिल्कुल है नुकसान है। जिम्मेदारी किस पर आयद की जाएगी? जिम्मेदारी तो ज़ाहिर है ये इदारे हैं, इन इदारों को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। अभी हम देखते हैं इनके खिलाफ अगर ये खुशी है कि ऐसा राशिद साहब जौहराबाद के SHO, उन्होंने अपना अपना फ़र्ज तो आप अदा कर रहे हैं सर। आप इस वे कहते ना कि अल्लाह के हजूर कल को मैं और आप जवाब दे होंगे कि अगर ये नुकसान हुआ हमने अपना फ़र्ज पूरा किया है, करना ना करना समझाना आगे का काम है, FIR होनी है नहीं होनी सब बात की कहानी है, लेकिन अपना फ़र्ज तो अदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं, और हमें करना चाहिए अपना फ़र्ज ईमानदारी के साथ, ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से हम बच सकें। एक हजरत यहाँ पर मौजूद है और बड़ा स्माइल कर रहे हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपके सामने जगह बंद करवाई थी, आप मौजूद थे ना? जी। क्या फिर दुकान खुल गई? किसकी वजूहत है, क्या है यार बताएं तो, कौन खुलवाता है? देखो जी हमें तो पता नहीं, जिनकी मालिक की दुकान है वही खुलवा रहे हैं। मैं कितनी बार आ चुका हूँ यहाँ पे, याद है आपको? आप तीसरी बार आ रहा हूँ। हाँ ईमानदारी से ये बात करता हूँ कि स्कूल ऊपर है? बिल्कुल है। हाँ ईमानदारी से, लेकिन ये पान का केबिन यहाँ पर है या नहीं है? नहीं मिलता? शिकायत मिलती है ना? सच बोले सर, आए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये एक कदम से आगे यहाँ से सिगरेट जलाने वाला शख्स, इस ये तो बेच रही है सिगरेट का लगा हुआ है सर, यहाँ से अगर एक सिगरेट जले हल्का सा सिलेंडर लीक हो जाए, कितना डिफरेंस है? थोड़ा डिफरेंस है, 7-10 फीट का डिफरेंस है सर। ऊपर बिल्डिंग है, बराबर में बिल्डिंग है, हज़ारों लोग रहते हैं, इसका जवाब दे कौन होगा? बस इसका जवाब दे। अब देखें ना, मैंने कहा कि अब इसको वेरिफिकेशन करते हैं, और अगर ये इलीगल बैठे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और इसको बंद कराते हैं। मैंने तो कहा जिनकी ये दुकान है किराए पर, उनको मालिकान को भी बुलवाना चाहिए कि यहाँ तो वो स्कूल बंद करा दें। अगर इनका कारोबार प्यारा है तो आप स्कूल बंद करा दें, बच्चों को घर भेज देते हैं। इनका कारोबार बहुत ज़रूरी है कि 17 साल के बच्चों को इन्होंने तैनात किया हुआ है काम करने के लिए, जो गैर कानूनी ऑलरेडी है, चाइल्ड अब्यूज़ जिसको कहा जाता है, वो शायद यही सेक्शन है ना सर? ऐसे ही है? जी ऐसे ही है। 17 साल से कम, 16-18 साल से कम उम्र बच्चा वैसे भी काम नहीं कर सकता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी हम इंक्वायरी करते हैं और इसके खिलाफ करते हैं। अच्छा तो आपके सामने ना पुलिस आए, इस तरफ आए। ये 2 कदम का रास्ता नहीं है, और ये दुकान मैंने खुद 2 बार जौहराबाद पुलिस स्टेशन के साथ मिलकर बंद कराई है, और मैं कहूँगा ये अच्छी कार्रवाई है। ये कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी कि आज ये दुकान पर ताले इसलिए लगाए गए क्योंकि ये दुकान तो चल ही इसलिए नहीं सकती कि ऊपर स्कूल, या तो फिर स्कूल बंद करा दें। अगर स्कूल बंद कराना है इस दुकान के लिए तो अब एक सवाल रखूँगा। अखलाक भाई इधर आइएगा प्लीज़। ये काम बहुत अच्छा हुआ है जो सही बात है, किसी को तकलीफ ज़रूर होगी कि उनकी रोज़गार बंद हुआ है, लेकिन ये डिसाइड कर लें या तो ये स्कूल बंद हो जाए या फिर ये शॉप बंद हो जाए। क्या बंद होना चाहिए? शॉप बंद होनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन ये इतने बासर लोग हैं ये दुकानदार कि ये कभी भी बंद नहीं करते, ताल्लुकात लड़ाते हैं, और इनके पीछे जो लोग हैं मैं उनको एक मैसेज देता हूँ कि अगर आपने कभी देखना है तो अपने घर में बच्चों को देखें, अपनी औलाद की शक्ल देखें कि अगर ये फट जाए तो क्या आप कभी मुनासिब समझेंगे या सिर्फ मलहाल करेंगे और कहेंगे एक सानिया हो गया। हैदराबाद सानिया में 19 बच्चे मर गए लेकिन किसी ने भी कान नहीं धरा। एक बार फिर ये दुकानें खुली हैं कराची शहर में, ये ब्लॉक 15 में हम मौजूद हैं। अभी दुकान तो बंद कराई जा रही है SHO की जानिब से, और जब तक मालिकान नहीं आएंगे तो इनके लेटर लेके इनको हम थाने मुंतकिल कर रहे हैं। जी अब इनको थाने लेकर जा रहे हैं और इनके मालिकान को बुलाते हैं और इनके डॉक्यूमेंट्स हम जो है उसको दोबारा फिर रीवेरीफाई कराते हैं। पहले भी अब हमने इनको बंद करवाया, आप ये रहिएगा ना, पिछली बार भी हम दुकान बंद करवा के गए थे पुलिस के साथ। जी बिल्कुल बंद, फिर उसके 3 दिन बंद रही, 4th दिन खुल गई, ऐसे ही हुआ था। जी बिल्कुल, मैं खुद फिर भी आया था। हाँ बिल्कुल आया था। ऐसा ही है ना? जी हाँ। हद ईमान की बात करो यार, ईमान की मैं भी बिल्कुल, बच्चे हैं आपके? बिल्कुल माशाल्लाह हैं। बिल्कुल सच कहना, अगर ये मैं फिर पूछ रहा हूँ ये अगर फट जाए नुकसान कितना होगा? नुकसान बहुत होगा, बिल्कुल होगा नुकसान। देखें यहाँ तो स्कूल है 12 बजे तक, एक मेरी भी रिक्वेस्ट है 12 बजे तक यहाँ स्कूल है, ठीक है?
ये सामने मस्जिद के नीचे जो 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। सिर्फ मसला इस 2 दुकानों का है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बताता हूँ इनका कहना, पता है क्या है इनका कहना, ये कि सामने भी एक दुकान है जो मस्जिद है, वहाँ पर एक दुकान मौजूद है। मैं खुद कह रहा हूँ ये शख्स सही बोल रहा है, लेकिन मैंने उस दिन भी एक बात इनको समझाई थी कि सर मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगा, जब मैं एक को छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा और पीछे वाला वापस खुल जाएगा तो इसका जवाब दे कौन होगा। यही कह रहा हूँ, 3 दिन बंद रही है, आपने आगे तो कोई कार्रवाई नहीं करी। किसने कहा आपसे? जो साहब का SHO वो कहाँ है आपको पता है? नहीं, वहाँ बंद नहीं हुई है, मैं ये कह रहा हूँ। आपको पता है वो साहब का SHO है? नहीं मुझे नहीं मालूम। आपको पता है आपके इलाके के SHO है? जी बिल्कुल। वो SHO साहब, मैं ऑन ईयर बता रहा हूँ कि मैं उनके पास जिस दिन आपके पास यहाँ आया था उस दिन मैं उनके पास दोबारा गया, और जब तक वो सीट पर रहे ये काम नहीं हो, लेकिन वो सीट पर जाने के बाद मुहर्रम का वक्त था, मैंने इन SHO से रब्ता किया, इन्होंने कहा मैं चलने को तैयार हूँ, आप आगे नहीं, मैं जब तक जिंदा हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगा और हकायद दिखाऊंगा। और बात सिर्फ नहीं है कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, काम वो करूँगा जो हकायद है। मैंने इनसे भी कहा था चाहे वो सामने वाली दुकान हो चाहे वो आगे वाली दुकान हो, अगर गैर कानूनी है तो बंद होना बनती है। और मैं ज़ियाउल अंजार साहब जो वज़ीर दाखला उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ सर कि आपके कुछ अफसरान ऐसे हैं जो कोऑपरेट करते हैं, जो सुनते हैं, बात को समझते हैं और ये नहीं पूछते कि हम किसी अफसर से पूछेंगे, वो कहते हैं अगर हमारे पास इस इलाके का चार्ज है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं वो काम करूँ। राशिद भाई तो एक दुकान हुई, आगे की तरफ चलते हैं ताकि दूसरी दुकान है उसको भी सेम यही करते हैं कि ताकि इनके मालकान को बुला के पहले किस तरह रीचेक हुआ है कुछ नहीं पता, पहले क्या हुआ क्या नहीं मैं ये नहीं कहूँगा, एक बार फिर मैं कहूँगा ये दुकानें सील हो रही हैं SHO राशिद के सामने, सील मतलब बंद कराई गई हैं, अभी सील नहीं कहेंगे इसको, लेकिन SHO राशिद का वादा है कि मैं इसको वेरीफाई जब तक नहीं करूँगा, मैं खुलने नहीं दूंगा जब तक ये वेरीफाई नहीं हो जाएगी। ऐसे ही राशिद भाई आए जी, कहाँ हैं आपके मालिक? आ रहे हैं। कब से आ रहे हैं? अभी 2 मिनट में आ रहा है। देखिए हमने लाइसेंस आ गए, आप एक काम करें जब तक लाइसेंस आ रहा है ना आपका तो वेट कर लेते हैं 2 मिनट, कोई मसला नहीं, लाइसेंस आने का वेट करते हैं। जब तक की बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारा काम है हकायद दिखाना, लाइसेंस पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये जगह जो है वैसे ही अथोराइज है या नहीं ये तो मैं प्रोग्राम के एंड में आपको बताऊँगा, लेकिन जो मालिक आ रहे हैं ज़रा उनका लेटर देख लेते हैं पहले। कि एक दुकान बंद कराई गई है, SHO ने इनको पाबंद किया है कि आप अपने मालकान को बुला लें थाने, हमें वेरीफाई कराएं, अगर ये वेरीफाई हो जाएंगी तो SHO को कोई एतराज़ नहीं दुकान खोलने में। ऐसे ही है सर, लेकिन एतराज़ मैं फिर कहूँगा कि इसलिए है कि ऊपर स्कूल है, यहाँ तो स्कूल बंद हो जाए, जो मुझे नहीं लगता कि स्कूल बंद कराया जाना बेहतर ऑप्शन होगा, या फिर ये दुकानें नहीं होनी चाहिए जो हकायद है। सर आपने क्या देखा अपनी आंखों से? नहीं बस आप सही कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल एरिया के अंदर है और कराची में और भी बहुत सारी जगहों पर इस तरह की चीज़ें हैं और ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, इसीलिए हम मुतल्लिका डिपार्टमेंट को लेटर लिखेंगे और इनके डॉक्यूमेंट्स भी साथ अटैच करके हम वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं ताकि तसल्ली हो सके कि वो ओरिजिनल हैं, और बहरहाल इनकी बंदिश के लिए जो है ना मैं लेटर लिखता हूँ आगे। बड़ी खूबसूरत बात है कि SHO साहब, क्योंकि पहले जो SHO साहब थे मैंने उनको दरख्वास्त किया था, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि मैंने उनसे दरख्वास्त किया था हमारे प्रोग्राम में शिरकत करें, उन्होंने अपने नीचे के ड्यूटी अफसर को ज़रूर भेजा और मैं फिर कहूँगा कि वो अफसर अच्छा था, इखलाक बहुत अच्छा बंदा था जो हमारे साथ आया प्रोग्राम में शामिल हुआ और हमारे साथ खड़ा रहा, लेकिन SHO साहब क्यों नहीं आए? जब 3 दिन के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तब भी उन्होंने इस चीज़ को फेस नहीं किया, क्योंकि ज़ियाउ लंजार साहब ने ये एक लेटर दिखाने कहा जी, क्या है लेटर मुझे बताइए, लेटर क्या है? ये लाइसेंस है, सिविल डिफेंस का लेटर है, ठीक है, ये आप कह रहे हैं सिविल डिफेंस का है ना, क्या है लेटर इस पे? फोटो कॉपी पे ओरिजिनल लिखा हुआ है, ओरिजिनल ग्रीन कलर का होता है, ये मालूम है आपको? सर ये ब्लू पेन से लिखा हुआ है, जी जी फोटो स्टेट निकाल के ब्लू पेन से लिख दिया गया, ऐसे ही है, ये सिविल डिफेंस का ओरिजिनल ग्रीन लेटर होता है, अगर चाहे तो वो दुकान दोबारा खुलवाएं, उनके बाद ये लगा हुआ था, चलो वो ले आएंगे अभी उसको देख लेते हैं। और ये जो लेटर वो दिखा रहे हैं ये सर्टिफिकेट है इस दुकान का, अब सर्टिफिकेट किसने जारी किया है? सिंध ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, अच्छा ये जो लेटर ये दिखा रहे हैं ना यहाँ पे, हम पूरी कोशिश करेंगे थाने में SHO साहब को ये क्लैरिटी दें, और DC साहब जो बैठे हुए हैं मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि ये उन तक बात जानी चाहिए कि सर ये लेटर क्या ओरिजिनल है या फिर ये थोड़ा सा तस्दीक करें कि ऊपर स्कूल है या नहीं।
यार एक बात बताओ, क्या परेशानी कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं, नहीं, अल्लाह ना करे। लाइट क्यों नहीं बंद कर रहे? सब कुछ बंद करके जाओ ना भाई, मेरे वो उसका काम है, वो दोबारा खुल जाएगा। यही बात है ना, दोबारा खुल जाएगा इसलिए लाइट खोल के जा रहे हो। मेरे को क्या पता मेरे भाई दोबारा खुले। कह रहे थे ना वो बात बोलो, दोबारा खुल जाएगा, मैं भी यहाँ पर हूँ, अगर ये सही नहीं हुआ तो मैं किसी हाल में खुलने नहीं दूंगा, क्योंकि बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ये दुकानें भी बंद कर दी गई हैं और इनको भी एक ही मैसेज दिया गया, और वो मैसेज है थाने आ जाएं, डॉक्यूमेंट्स लेके और वेरीफाई कराएं। ऐसे ही वैसे ही बिल्कुल इसी तरह से है। कोई सख्ती तो इन पर हमने नहीं करी, सिंपल बात पूछी है। नहीं, कोई सख्ती नहीं है, इनसे कानूनी बात की है। ये हमें आके अपने परमिशन लेटर लाइसेंस दिखाएं, उसके बाद जो कार्रवाई होगी फिर हम अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। और वेरीफाई करेंगे कि भाई स्कूल वालों को भी बुलवाएं। मैं तो सर आपसे ये भी कहूँगा कि मौका लगे तो स्कूल वालों को भी बुलवाया जाए कि वो कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे कि उनके नीचे दुकानों पर ये सिलेंडर माफिया बैठा हुआ है, जिसको चलते फिरते हम कहते हैं बम नफ्स किए गए, ये इनको बुला के क्यों नहीं पूछ रहे? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अभी तो छुट्टियाँ हैं, जैसे स्कूल खुलते हैं तो उनकी इंतजामिया से भी बात करते हैं, ताकि वो भी अपनी तरफ से इंतजामिया, सिविल इंतजामिया को एक लेटर मूव करें, ताकि इनका सदवाब किया जाए और यहाँ से इनका ये काम खत्म किया जाए। रैली अप्रिशिएट किए, आप इस वक्त साथ आए, चले थाने की तरफ मूव ऑन करते हैं, इनको ले लीजिए, ये भी साथ हैं इनके। आ जाए आप भी, आ जाए, साथ आ जाए, आ जाए। हाँ चल, ताले लगा लें, ताले लगा लें। अच्छा जी, इनको ले लिया गया है और ये दो दुकानें थी, इनके तीन अफरादों को लिया गया है और अब इनको थाने मुंतकिल किया जा रहा है। आगे चलते हैं थाने में, SHO साहब से पूछते हैं कि अब आगे फर्दर कार्रवाई क्या होगी। अच्छा जी, हम पहुंच चुके जौराबाद थाने, जहां पर उन लोगों को जो दुकान के जो भी काम करने वाले लोग थे उनको ले लिया गया और SHO राशिद साहब, सर थाने तो आ गए हैं, चले अब इनको वन बाय वन अंदर, तीन लोग हमने लिए हैं जी, ना जी ऐसे डॉक्यूमेंट अब तक नहीं पहुंचे, बस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मालकान आ रहे हैं, इनके देखते हैं, पिछली बार भी बहुत वेट करना पड़ा था। बात सिर्फ इतनी है कि जिन बंदों को हमने थाने में मुंतकिल किया है वो दुकानदार हैं, चोर नहीं है, मैं एक बार फिर कहूँगा, लेकिन गैर कानूनी काम जारी है। मैं फिर कहता हूँ कि चलते फिरते बम पूरी कराची में नफ्ज़ है। मुझसे सवाल लोगों ने किया क्या आपको यही जगह दिख रही है, मैं बिल्कुल कहूँगा कि मैंने वो काम करना ही नहीं है कि एक किया दूसरा किया और पीछे वालों को भूल गया। सर अगेन एक बार राशिद भाई आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक फ़र्ज़ जो आपका फ़र्ज़ है शुक्रगुजार, जबकि मैं नहीं हो सकता, लेकिन मैं फिर भी शुक्रगुजार इस बात पर हूँ कि आपने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया, हकायत को सामने रखते हुए आपने उसकी रोशनी में कहा कि दिल चलते हैं, इनको लेते हैं, वेरीफाई करेंगे, हम किसी भी FIR नहीं करें, लेकिन हम ये ज़रूर चेक करेंगे कि क्या ये लीगल है भी या नहीं, और अगर सर ये लीगल नहीं निकलते फिर क्या कार्रवाई है? फिर इनके खिलाफ़ जो है हम कार्रवाई करेंगे, इनके ऊपर FIR भी दर्ज हो सकती है। इस पर DC साहब को भी मैं कहूँगा कि ऑन बोर्ड लिया जाए, ताकि उनको भी एक लेटर भिजवाया जाए कि सर इनकी वेरिफिकेशन करें, क्योंकि इस ज़ियाउल अंजार साहब जो वज़ीर दाखिला, उन्होंने इस पर लिखा है बाकायदा कि DC साहब इस पर देखें, जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो उसकी कोई नेबल बदल जगह बनाएं, कारोबार अगर करना चाहते हैं तो नेबल बदल जगह भी इनकी होनी चाहिए।
क्या कुछ कहना चाहते हैं जो लोग देख रहे हैं आपको? बिल्कुल, मैं ये आपसे ये कहना चाहूँगा कि अब आप देखें पब्लिक सेफ्टी के हवाले से बात कर रहे हैं और हमारा भी हमारी ड्यूटी भी यही है कि हम पब्लिक को सेफ करें, उनकी प्रॉपर्टी को सेफ करें और अपने ओमान को कायम रखें और इस तरह के जो मेजर डिजास्टर्स हो चुके हैं वो रिपीट ना हो। उस हवाले से अब ये है कि आपने निशानदेही की है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और वैसे टाइम टू टाइम हम भी इनको चेक करते रहते हैं और हमारा इंटेलिजेंस स्टाफ भी चेक करता है और जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते उसको कारोबार की इजाज़त नहीं होती। ये तो आप जवाब तो चाहिएगा शुक्र अदा करें कि स्कूल के नीचे का हमने एक ऐसी निशानदेही जो एक कह सकते हैं कि शायद आपकी नॉलेज में नहीं था। हाँ, वो स्कूल बैक साइड पे था, आप सही कह रहे हैं कि वो उसका एंट्रेंस बैक साइड पे थी, फ्रंट पे नहीं थी और ये फ्रंट साइड पे बैठे हुए, तो उस लिहाज से भी आपने अच्छी निशानदेही की है। इसको अब बाकायदा हम इसके लिए एक लेटर में इंशाल्लाह मूव करूंगा डीसी साहब को, असिस्टेंट कमिश्नर साहब के थ्रू जो है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कारोबार को यहाँ से बंद किया जाए। चलें आपकी रूम की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, इनको थाने मुंतकिल कर दिया गया है और अब एसएचओ साहब के साथ हम रूम के अंदर आ रहे हैं। ये तीन लोग हैं, पहले मैं इनकी तरफ जाऊंगा। मुझे ये बताओ कि मैं कितनी बार उस शॉप पर आ चुका हूँ? मैं तो सर 2-3 दिन हुए आया हूँ, मुझे पता नहीं आपका। सर चलिए बताएं कि सिलेंडर का काम करते हो जी, चलते फिरते बम है या नहीं है? खतरनाक तो है सर, खतरनाक है ना सर। SHO ज्यादती कोई ही आपके साथ किसी 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 किस्म की नहीं? आपको सिर्फ यही मैसेज दिया कि अपने मालकान को बुला लें, यही मैसेज दिया है कि वेरीफाई कराएं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो तो ये रिलीज कर देंगे, ऐसे ही कहा है या कोई जबरदस्ती की? कोई जबरदस्ती नहीं। कितनी उम्र, एक बार फिर पूछता हूँ तुम्हारी? 17। स्टूडेंट हो, पढ़ाई की जी? कितनी कर रहे हैं? अभी भी कर रहे हो जी? खुद स्टूडेंट हो तो मुझे बताओ, ऊपर स्कूल है? तुम्हारी बहुत अच्छी बात मुझे लगी, ऊपर स्कूल है या नहीं है? ये स्कूल है। कभी अपने मालिक से कहा कि ऊपर स्कूल है, नीचे इतना बड़ा बम हम लेके बैठे हुए, ये गलत ना हो जाए कुछ? नहीं बोला। कभी नहीं बोला? नहीं बोला। ऐसे जो ना आपके साथ कोई बदतमीजी की कोई बात ऐसी नहीं की? आपसे क्या कहा गया, क्या मैसेज आया? नहीं है। मैसेज क्या दिया है आपको, किसको फ़ोन करना है? किया सेठ को, किया सेठ को फ़ोन कर दिया जी। और क्या मंगवाया आपसे, डॉक्यूमेंट्स ना जी? कोई मारा, कोई बदतमीजी कोई ऐसी? देखिए ये वर्ड मैं इसलिए नहीं कह रहा कि एक्चुअली हम सब अंदर एक साथ आएँ। आखिरी कॉमेंट है राशिद भाई आपके सामने हैं, मालकान भी आ जाएंगे, पहले भी आए थे इनके मालकान, क्या दिखा के गए? मैं एक बार फिर सवाल ये रख रहा हूँ आपके कि सर अगर मेरे में, मैं इंसानियत के तौर पे बात करूँगा तो सर स्कूल आपने अपनी आंखों से भी देख लिया, चीज़ें भी आपने देख ली, तो जो हकायत है वो आपके सामने, ये अगर ज़्यादा पावरफुल हो तो स्कूल बंद कर दिया जाए? जो मुश्किल नहीं है, जो मुश्किल इनके लिए शायद ही बहुत पावरफुल है। सर 2 बार आ चुके हैं फिर भी पावरफुल बहुत हैं, तो मेरी तो दरख्वास्त आपसे भी कि स्कूल की इंतजामिया को भी बुलवाएं, उनसे भी पूछेंगे कभी उन्होंने लेटर लिख के क्यों नहीं दिया। हाँ ये उनसे भी पूछते हैं, आपने अच्छा ये एक पॉइंट रेस किया है कि उनसे भी, उनका भी काम है, फ़र्ज़ है कि वो जब एक ख़तरा उनके सर पर मंडला रहा है तो उनको भी चाहिए कि वो सिविल इंतजामिया को लेटर लिखें कि इनका सदबाव किया जाए। बिल्कुल राशिद साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रोग्राम जाते हुए, आपने पूरा वक्त दिया, इस ऑपरेशन में आप साथ रहे और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि एक SHO का जो फ़र्ज़ है, आजी साहब मेरी हमेशा कोशिश रही है हकायत दिखाने की, हकायत पे बात करने की। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई अफसर आपका काम कर रहा है तो उसकी तारीफ बनती है और अगर कोई काम करना चाहता है तो SSP साहब मेरी आपसे भी दरख्वास्त है कि खुदारा ऐसे अफसरान को प्रमोट करें और कुछ वक्त दें ताकि ये उन जगहों पर रह के उन चीज़ों को ठीक कर सकें जो आवाम चाहती है। होता क्या है कि चलते फिरते बम नफ्स कर दिए जाते हैं, करता कौन है, भुगतता कौन है, नुकसान किनका होता है? मैं फिर याद दिला दूं आप सबको, 19 बच्चे हैदराबाद प्रेडाबाद का वाकया आप सबको याद होगा कि इसी सिलेंडर माफिया की वजह से 19 बच्चे इस दुनिया से चले गए, लेकिन सिर्फ हम मलाल कर सके, हम बात कर सके, 4 दिन याद रख सके या फिर हम उनके घर वालों को कुछ दे सके। इंसानी जान बहुत कीमती है। मैं एक बार फिर दरख्वास्त करूंगा एक इक्तदार में बैठे हुए तमाम लोगों से, ज़ियाउल अंजार साहब, वज़ीर दाखला आपसे, कि खुदारा नोटिस जारी तो कर दिया, उस पर थोड़ा बहुत नज़रसानी करें, पूछें कि इन्होंने इम्प्लीमेंट कितना किया। मैं ये सवाल आप पर छोड़ता हूँ कि मैंने प्रोग्राम में हकायत दिखाए, सबके सामने रखे, यकीन जाने दूसरी तीसरी बार करना पड़ा, मैं हर बार करूँगा, जब तक हक है और सच है मैं दिखाता रहूँगा। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया, हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।